और लोकसभा चुनावों को लेकर हमारी टीम मेरठ पहुंची है, वहां की जनता क्या हिंट दे रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अभी हम मेरठ में मौजूद हैं, हमारे साथ मेरठ की जनता भी मौजूद है और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं जो उम्मीदवार इस चुनाव में उतरे हुए हैं उनको लेकर के उनका हिंट क्या है और साथ ही मेरठ में किस प्रकार से काम हुआ है। सिर्फ ये जानते हैं कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। क्या हिंट रहेगा, कितनी सीटें आएंगी पूरे देश में? सीट पूरे देश में 400 के आसपास आनी चाहिए, वैसे हमारा नारा 400 पार है और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं 70 सीटों का आंकड़ा छू कर रहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या हिंट है आपके? जैसा उनका किरदार है, राम जी का उन्होंने किरदार निभाया है और हम युवा पीढ़ी है तो हमारे लिए तो वही भगवान है और हम तो उनको देखते हैं तो हमें उनके रूप में भगवान ही दिखता है। हर घर मोदी, घर घर मोदी और इस बार 400 पार। आपकी तरफ से क्या क्या हिंट रहेगा, क्योंकि नए उम्मीदवार भाजपा की तरफ से और सपा की तरफ से महिला उतरी हुई है, भाजपा मेरठ से जीतेगी। क्या हिंट रहेगा, पूरे देश में कितनी सीटें आएंगी भाजपा को, एनडीए को कितना सीटें आएंगी? लगभग 400। एनडीए ने काम किया है? एनडीए ने ही सारा काम किया है, देखा जाए तो 10 साल का काम एनडीए का, एनडीए को जिताने की तरफ ले जा रहा है। विपक्ष कहाँ गया? विपक्ष तो बटा हुआ है, सब अपने अपने ढोल अपने अपने बाजे बजा रहे हैं। मोदी जी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, डेवलपमेंट करते भी हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। आपकी तरफ से क्या हिंट रहेगा मेरठ के लिए? मैं तो ये कहूंगी गवर्नमेंट सरकार को, हम युवाओं की साइड से रिक्वेस्ट है, थोड़ा हम बच्चों के लिए जॉब पे भी ध्यान रखें। एनडीए के लिए क्या रहेगा हिंट? सब कह रहे हैं तो हो सकता है 400 के आसपास रहे, यही है हमारा हिंट तो अंदाजा। क्या आपको क्या लगता है देश में क्या रहेगा एनडीए का रुख, विपक्ष को कितनी सीटें? विपक्ष को मेरे ख्याल से तो 100 भी नहीं आनी चाहिए, जो आएगी मोदी सरकार 400 के पास। मेरठ की जनता है और साफ तौर पर इनका कहना है कि भाजपा ने जिस तरीके से देश में काम किया है उसके मुकाबले विपक्ष कहीं भी टिकता नहीं है।